बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सरदो के किचन में मैं और मेरी बहू आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम अपने किचन में लेकर आए हैं निहारी का मसाला, जो कि बहू साहिबा बनाने वाली हैं। आपको इन्ग्रीडियंट्स बताएंगी अब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? जी, तो मैं सबसे पहले इन्ग्रीडियंट्स बता दूँ आपको। सबसे पहले हम लेंगे देगी मिर्च है, ये आप 3 से 4 आदद ले लीजिएगा, मैंने 3 ली हैं। और ये पीसी लाल मिर्च है 3 चम्मच, और ये 3 टेबल स्पून सौंफ है, और ये जावित्री है आप से 3 अदद फूल ले लेगा, और ये जायफल है ये हमने 1 अदद लिया, इसको मोटा मोटा तोड़ लिया था हमने। और इसके अलावा हमने बादियान के फूल लिए, ये भी 3 अदद हैं। नमक है 1 टेबल स्पून, और इसके अलावा ये काला ज़ीरा है ये भी 1 टेबल स्पून, ये जो नॉर्मल ज़ीरा होता है वो भी 1 टेबल स्पून है। ये काला ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा ये भी 1 टेबल स्पून है। और काला ज़ीरा कितना बताया था? 1 टेबल स्पून। ओके। और ये भी आप सौंठ ले लेंगे पिसी हुई, सौंठ जी ये भी 1 टेबल स्पून, और ये लौंग है ये भी 1 टेबल स्पून ले लीजिएगा, और ये बड़ी इलायची है ये 6 अदद ले लीजिएगा, और 10 से 12 अदद छोटी इलायची ले लीजिएगा, और ये है पीपले ये भी आप 6 अदद ले लीजिएगा। जी इन सबको हम ग्राइंड करके भी आपको मसाला दिखाते हैं कैसे बनते हैं। हम इनको ग्राइंड करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे सहूलत नहीं है ग्राइंड करने की, इसलिए हम आपको ग्राइंड करके दिखा देते हैं। जी तो व्यूअर्स देखे, हमारा मसाला रेडी हो चुका है, इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। देख लिए इस तरह से आप पीस लीजिएगा इसको, और अगर आप 1 किलो की निहारी बना रहे हैं तो ये 4 टेबल स्पून उसके अंदर डालेंगे। इसके बाद हम आपको निहारी बनाना भी सिखाएंगे, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमें मैसेज करके बताइए मसाला कैसा बना आप लोगों का। हम इंशाल्लाह इस मसाले के बाद निहारी की रेसिपी लेकर आएंगे, फिर हम आपको बता देंगे कितने चम्मच डालें। और अगर आपको पहले से बनाना हो हमारे से पहले ही, तो आप इसमें 4 चम्मच डाल दीजिएगा 1 किलो के गोश्त में। जी अब हमें इजाज़त दीजिए सासु किचन से, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लेकर आने वाले निहारी की रेसिपी, जब तक सासु के किचन से मुझे मेरी बहू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।